ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଇସଲାମ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ। ଜାମା ମସଜିଦ୍ର ସାହି ଇମାମଙ୍କ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କଲେ ଅପିଲ। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜାମା ମସଜିଦ୍ର ସାହି ଇମାମ ସବିର ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଇସଲାମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇସଲାମର ବିରୋଧୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ନମାଜ ପଢ଼ା ଦେଖିଲେ, ନମାଜ ପଢ଼ାରେ ଜଣେ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି? ଇସଲାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ନମାଜର ରହିଛି। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବା ଇସଲାମରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମସଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ରୋକାଯାଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମସଜିଦ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ରୋକାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଏ, ଇସଲାମ କି ବାତ ଅଗର ଆପନେ ଲାଇ ହେ तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को, तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं? इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को MLA काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रखते। सिद्दीकी एतिकरे अटकी नथिले। से मुसलमान महिला मानकु टिकट देउथबा लोक और राजनीतिक पार्टी उपरे बरसिथिले। से कहिथिले जे मुसलमान महिला मानकु टिकट देउछंती से माने इस्लाम विरुद्ध रे विद्रोह करुछंती। तांकर एभली कृत्य इस्लाम रो विरोधी। आपणक पाखरे केही कोन पुरुष नहांती ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଇସଲାମ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाजाबता वो जो है लोगों से अपील कर रही है, इलेक्शन के हाथ में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहां एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जहां तक जहन कह रहा कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है कि नहीं चलती है, तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सेवा तो कोई मकसद नहीं समझ। साहुरी कही चंती जे मुसलमान महिला मानु को टिकट देबा पछरे बड़ षडयंत्र रहिछि। से कही चंती जे जदि टिकट देबारे अछि तेबे पुरुषों को दियंतु, महिला मानु को एथि पाए टिकट दिया जाउछि जे सेमानक हात को सब कब्जा चली जिवो। आजिकाली महिला मानकर प्रभाव बढ़िलानी, जदि सेमाने आगो को आसी जिवे तेबे पूरा परिवार तांको कब्जा को चली जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।